अच्छा बोले, अच्छा बोले, सही बोले। जो है दानियल भाई से मीटअप करके यार बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे, बहुत दिली इंस्पायरेशन हुई। सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आपके भाई की हो चुकी है मॉर्निंग अभी अभी और टाइम हो रहा है 12:30। आज बहुत ज़्यादा लेट उठा हूँ मैं, क्योंकि कल रात में मैं सोया हूँ 4:30-4:45 बजे, इस वजह से कुछ ज़्यादा लेट उठा हूँ। और अभी नाश्ता वगैरह बन रहा है घर में, अभी भी उठा हूँ। आज का व्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी लंबा होने वाला है। सभी जो है नाश्ता वगैरह बन रहा है और खाने में पता नहीं क्या है नाश्ते में। सो खैर व्लॉग को शुरू से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो यार मैं जो है जल्दबाजी में नाश्ते का करने बैठ गया था और व्लॉग बनाना भूल गया था, तो अभी सब चाय वगैरह पी रहे हैं। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया पराठों से, लेकिन मैं व्लॉग बनाना बिल्कुल भूल गया था। अभी घर में काम है थोड़े बहुत, अभी आपका भाई जो है फ्रिज वगैरह साफ़ कर रहा है। बड़ी मेहनत लगती है यार फ्रिज साफ़ करने में, मैं तो एक पहली दफ़ा ही कर रहा हूँ यानी, और मेहनत बहुत लगती है। तो यार आपका भाई ट्राई तो कर रहा है, लेकिन अभी तक जो है साफ़ करने की कोशिश ही कर रहा हूँ। अभी पहले पोर्शन पे ही टाइम लगेगा काफ़ी, लेकिन अब देखते हैं पता नहीं कब तक साफ़ होगा ये। तो भाई अब नीचे वाले पोर्शन पर आ गया हम साफ़ करने के लिए। खैर अब साफ वा कर चुके, फिर आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। बहुत टाइट वाली धूप हो रही है भाई, कैसी गर्म हो रही है, बैठा हूँ ना मुझे पता चल रहा है, समझ रहे हो। जा रहा हूँ पानी भरने के लिए पापा के साथ, पापा वो खड़े हुए सामने बोतल वगैरह लेके, सभी चलते पानी वगैरह भरते, फिर आगे का देखते क्या सीन होता है। तो यार फ्रिज वगैरह साफ़ करने के साथ साथ घर पे जो है वॉशिंग मशीन ख़राब थी, जिसका वॉशिंग मशीन का काम चल रहा है अभी, और जो है वॉशिंग मशीन वगैरह सही करवानी है बिल्कुल वीआईपी करके, क्योंकि यार वॉशिंग मशीन सही नहीं है और गर्मी बहुत है। सो अभी जो है लस्सी बनाते हैं यार। तो भाई फाइनली आपका भाई जो है लस्सी वगैरह ग्राइंड करने के लिए जग वगैरह में डाल दिए, और अभी उसको ग्राइंड वगैरह करते हैं ताकि जो है लस्सी को पी भी सकें और मज़ा भी आ सके, ताकि क्योंकि मज़ा असली जो है ना वो तो लस्सी का है, ये बात तो है। तो भाई अभी ऊपर से तो काम हो गया था, पीछे से जो है काम वगैरह हो रहा है घर में, और जो है पीछे से मतलब यानी मशीन के पीछे से अब थोड़ा बहुत काम वगैरह होगा, और बड़ी खड़बड़ हो रही है, और इसी वजह से जो है घर में काम वगैरह चल रहा है। और क्योंकि रमज़ान करीब आने वाले ना, मसला सारा ये आ जाता है, और रमज़ान करीब आने वाले हैं इसी वजह से घर में सारी जो चीज़ें ख़राब पड़ी हुई थी या जो भी था थोड़ी बहुत मसले मसाइल थे, वो सारे सही हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो ये है कि अभी काम वगैरह करवाते हैं यहाँ, बहुत बिजी शेड्यूल जा रहा है। और फिर जो है आज संडे मैं बाहर रहता हूँ ज़्यादातर खेल कूद में, लेकिन जो है आज खेल कूद में ही घर के कामों में खड़े में, सो काम वगैरह से फारिग होते हैं, फिर आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं कहीं भी। सर फाइनली सारे काम वगैरह से हो चुके हैं फारिग, टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और लाइट चली गई सारे घर के, जितने भी काम थे मशीन का, जग का, जूसर का,
और जो काम वगैरह थे सारे मुकम्मल हुए, लेकिन अब लाइट चली गई है और लस्सी वगैरह जो आपके भाई ने बनाई थी वो ये रही मेरी, तो गिलास में दाल चावल वगैरह आज खाने में है हमारे और लस्सी, सो जो है बाकी सब ने पी ली थी, मेरी लस्सी रह गई थी। तो ये है कि खाना वगैरह खाते थकान बहुत हो रही है, फिर खाना वगैरह खाने के बाद चटनी ख़राब हो गई है, फ्रिज में रख के ख़राब नहीं हुई है, बताऊँ क्यों हुई है ख़राब, के लाइट नहीं है ना, वो लाइट करो गर्मी बहुत है तो इस वजह से। तो खैर आज इतवार का दिन था, फंडे होता है, लेकिन आज का दिन जो है बड़ा बिजी डे था क्योंकि आज घर के बहुत सारे काम थे जो कि खुद करे भी, फ्रिज जैसे खुद साफ़ करा, बाकी सारे काम होते गए होते गए होते गए होते गए, तो पारी हुए अब खाना वगैरह खाते और फिर बाहर निकलते हैं, फिर देखते क्या सीन होता है आगे का। शादी में टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं, मैं घर पे आया था और चिप्स वगैरह पापा लेकर आए, अभी शर्ट ये रखी हुई है पहनेगा आपका भाई शादी में जाने के लिए। सो ये है कि अभी शादी वगैरह में भी जाना है, थोड़ा बहुत से चिप्स वगैरह खाते हैं और फिर रेडी बैठा था होके शादी वाले टाइम पे आप लोगों से मिलते हैं, हमें निकलना है 9 बजे तक, तो जो है 9 बजे तक फिर रेडी होकर आप लोगों से मिलते हैं। लेट है और मेरी मुलाकात हुई अभी दानियाल भाई से जो कराची वाइन में होते हैं, और यार मुझे बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है और बहुत अच्छे लगते हैं ये आए हुए होटल पे, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने मेरे साथ ब्लॉग बनाया और बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इनके साथ मिलकर। और जो है दानियाल भाई से मीटअप करके यार बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे, बहुत दिली इंस्पायरेशन मिली है कराची वाइन से, तो ये था कि एक बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे भाई से मिलकर, बस यार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन ये आई होप कि तुम कंसिस्टेंट रहो और रोज़ सीखना होता है काम काम में, ठीक है, और ये काम तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी प्रोडक्टिव ऑल द टाइम एंड यू हैव टू लर्न एवरीडे, बहुत शुक्रिया। तो यार फाइनली हम लोग होटल वगैरह पे आए हुए थे और दानियाल भाई से मुलाकात हुई है, यानी एक सरप्राइज था, मुझे नहीं पता था बिकॉज़ कि दानियाल भाई यहाँ पर आएंगे या नहीं, कोई आइडिया नहीं था, लेकिन बस मुलाकात हो गई। तो खैर हम लोग होटल वगैरह पे आए हुए थे, मैं, रजा, जुरैर, वाहिद, अरबाज भी आ रहा है, तो खैर ये सीन था कि काफ़ी दिनों बाद हम लोग होटल पे आए और कराची वाइन वाले हैं दानियाल भाई, आप लोगों को तो पता होगा पॉडकास्ट भी कर रहे हैं आजकल, हाँ पॉडकास्ट इनका बहुत चल रहा है आजकल, तो भाई बहुत अच्छा लगा, मुझे भी इनवाइट किया है पॉडकास्ट, कुछ सीखने को मिला इनसे, बहुत सारी चीज़ें दी, मैं काफ़ी देर से खड़ा था इनके पास, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत सारी इंस्पिरेशन भी दी कि भाई करते रहो इंशाल्लाह आगे बढ़ोगे, तो खैर यही सीन था। तो अभी जो है यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ी देर घर चलते हैं, फिर वहाँ पर मिलते हैं। सो यार फाइनली घर पे आ चुका हूँ और जो है होटल वगैरह चले गए थे, 12:30 हो रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं, और पता नहीं था, रैंडम सरप्राइज था कि दानियाल जी भाई से मुलाकात हो गई थी होटल पे, हमें पता नहीं था कि वहाँ आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन एक रैंडम मुलाकात जिसे कहते हैं, बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर, कराची माइंस के दानियाल भाई जिनके आजकल पॉडकास्ट भी बहुत चल रहे हैं। सो ये था कि आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जो जो भी दानियाल भाई से लव करते हैं, सो सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को यार,
तो ये था कि हमें पता नहीं था कि दानियल भाई वहाँ पे आएंगे या नहीं, और रात का मैंने खाना खाया नहीं था, मुझे जाना था शादी में, मैं शादी के लिए कपड़े पहने थे और मैं नाना के घर पे था, ये लोग आए जुरार भाई, ये लोग उन्होंने बोला छोड़ होटल चलता है शादी को, तो मैंने छोड़ दिया। तो खैर शादी को छोड़ा, लेकिन एक ये सरप्राइज़ मिल गया कि दानियल भाई मिल गए थे जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं कराची वाइन वाले। सो ये था कि अच्छा लगा उनसे मिल के, और आते वक्त मैंने रोल वगैरह पकड़ लिए अभी अपने लिए, तो अभी इसको खाते वगैरह हैं और फिर आप लोगों से सुबह उठ के मैं मिलता हूँ, क्योंकि अब मुझे थकान भी हो गई और नींद भी बहुत आ रही है। सो जो है, अल्लाह हाफ़िज़।